हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में निटिंग डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक लोगो बनाने, 3D लोगो। अब वो बहुत इजी मेथड से, मैं जो भी आप लोगों को सिखाऊंगा वो बहुत सिंपल और इजी मेथड्स होंगी, ठीक है। अब हमने सबसे पहले एक बॉक्स लिया। इस बॉक्स में को हम ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका यहाँ से नहीं निकलता है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो जाके ऑब्जेक्ट के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन ये है आपके ट्रांसफॉर्मेशन, या आप दूसरा मेथड है, आप जा सकते हो विंडो में डॉकर, डॉकर के अंदर भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप उसे क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से हमने काम करनी है। अब इसे हम यहाँ पर 15 डिग्री में और एक कॉपी में, कॉपी का मतलब होता है एक बार ये कॉपी होगा और राउंड घूमेगा। हमने इसे अप्लाई किया, ये एक कॉपी बना और कितना डिग्री घुमा, 15 डिग्री घुमा। अब इसके बाद हमने स्मार्ट फिल लिया और स्मार्ट फिल से इसको फिल कर दिया। अब ये हम डिलीट कर देते हैं और इसको कोई लाइट कलर कर लेते हैं फिलहाल। उसके बाद इसे हम डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और इसको कर्व कर देते हैं। कर्व करने के बाद इसे आप कोई एक शेप दे दो। शेप आप अपनी मर्जी का दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अभी हमारा कर्व नहीं हुआ है, ये हमने इसको यहाँ ऐसे किया, इसे यहाँ किया और इस पोर्शन को हम एक और क्लिक करके इसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, इसे ऐसे कर देते हैं और इसे ऐसे कर देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा इसे पतला कर लेते हैं, इस तरफ ले आते हैं, यहाँ से हम इसे थोड़ा पतला करके राउंड घुमा देते हैं। आप शेप किसी भी तरीके का ले सकते हो, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर शेप जितना अच्छा लोगे आपका डिज़ाइन उतना अच्छा दिखेगा, सिंपल सी बात है। ये हमने एक शेप ले लिया। अब इसको हम इस जगह से थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम इसके सेंटर को कॉर्नर में ले जाते हैं। सेंटर को कॉर्नर में ले जाने के लिए आप पिक टूल लोगे, एक बार क्लिक करोगे और स्नैप टूल ऑन कर लो। स्नैप टूल ऑन करने के बाद आप इसका सेंटर को पकड़ो और इसे ले जाके इस नोड पे टच करवा दो। अब 15 डिग्री पे ही हम इसे रोटेट कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, आउटलाइनिंग चाहो तो रख लो, आप चाहो तो हटा दो, चलो अभी हम रखे रहते हैं इसको। उसके बाद इसको हमने ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद हम इसे बाहर निकालते हैं और इसे मिरर कर देते हैं। उसके बाद सारे को सेलेक्ट करके पी दबाते हैं, पेज के बीच में आ जाएगा ये। उसके बाद सबको अनग्रुप कर देते हैं, अनग्रुप ऑल। और इसमें से तो अनग्रुप करने से पहले हमने इसे थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। अब हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, पी दबाया और इसे रोटेट करके ना एक दूसरे के साथ ले आते हैं और ये वाले पोर्शन को जैसे कलर हम अलग कर देते हैं, एक ये है एक ये है। अब
ब्लू वाले को हम फ्रंट मानना चाहते हैं, तो अब जो रेड वाला है उसको हम इतना बड़ा कर लेते हैं ताकि वह ब्लू को ढक दे पूरा। फिर हम इसको बैक पे ले जाते हैं। आप शिफ्ट दबा के ये काम करोगे तो सारा चारों तरफ से बढ़ेगा। हम शिफ्ट दबा के फिर ये काम करते हैं तो बेटर रिजल्ट आएगी। अब हम सबको अनग्रुप कर लेते हैं और इसमें से दो एलिमेंट, एक लाल और एक ब्लू को पकड़ के साइड पे निकाल लेते हैं। बाद बाकी को आप डिलीट कर दो। अब ब्लू को पेज अप कर लो, शिफ्ट पेज अप से वो पेज अप हो जाएगा। इस जगह पे थोड़ा सा हमारा ये खराब है, इस चीज को आप ठीक कर लो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको अभी भी इस भी स्टेज में ठीक कर सकते हो। इसके बाद आपने यहाँ से इसको कट कर देना है, तो कट करने के लिए हम ब्लू को भी यूज कर सकते हैं। ब्लू के साथ इसको हमने लिया और ट्रिम कर दिया। अब डबल क्लिक करके देखते हैं तो इस पोर्शन में कटिंग नहीं हुई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको यहाँ से ऐसे लेके फिर से ट्रिम कर दो रेड के साथ। रेड ट्रिम हो गया। ये हमारे पास एक डिज़ाइन का एलिमेंट आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको मान लो हमने ब्लैक कलर से कर लिया और इस पे हम फील दे देते हैं, इंटरेक्टिव फील। इंटरेक्टिव फील में आप यहाँ से भी ले सकते हो कोई, वैसे ये गोल्डन है, ये रेड गोल्डन है, कोई भी आप जो आपको इस पे से लगता है कि आपके डिजाइन्स के लिए अच्छा है वो ले सकते हो या अपना बना सकते हो। अभी फिलहाल हम रेड गोल्डन को ले लेते हैं और इसके बैक को हम पूरा ब्लैक कर देते हैं। अब इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, आउटलाइनिंग हटा देते हैं। फिर से हम पिक टूल लेके क्लिक करते हैं और स्नैप टूल हमारा ऑलरेडी ऑन है। अब हम इसको इस पॉइंट पे ले जाके ऐड कर देते हैं नोट पे। अब हम फिर से इसको 15 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। इन सारे को सेलेक्ट करके हम अनग्रुप ऑल कर देते हैं। अब जो रेड वाला है, अब शिफ्ट दबा के रेड वाले को सारे को क्लिक कर लो। अब इसे आप ग्रुप कर लो, बाहर निकाल के एक बार चेक कर लो कि सारे आ गए। सारे आ गए। अब जो ब्लैक वाला है उसे सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के लिए आप ऐसे डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने उसे वेल्ड कर दिया और नीचे वाला को सारे को सेलेक्ट किया, फिर इसे वेल्ड कर दिया। अब नीचे वाला ब्लैक और ऊपर वाले ब्लैक को एक एक सेलेक्ट किया और वेल्ड कर दिया। अब बाहर निकाल के चेक कर लो, ये वेल्ड हो गया हमारा। अब जो बैक वाला है उसे भी हम एक इंटरेक्टिव फील में क्लिक कर लेते हैं और राउंड शेप में दे देते हैं और इस पे हल्का सा वाइटनेस बढ़ा देते हैं। ये हमारा 3D लोगो तैयार है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाओ, स्पेशली छोटे बच्चों को सिखाओ, उनमें इसका काफ़ी इंटरेस्ट और क्रेज होगा और आगे चल के उनके करियर में भी ये बहुत काम देगा।
थैंक यू वेरी मच।